नमस्कार दोस्तों, एडवेंचर MLG यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम जा रहे हैं बस बीकानेर टूर पे। तो एक बार मैं गाड़ी को दिखा देता हूँ, हम बिल्कुल तैयार हैं। कितने किलोमीटर की राइड होगी हमें खुद को नहीं पता, कहाँ कहाँ जाएंगे हमें खुद को नहीं पता। जहाँ भी जाएंगे आपको वीडियो दिखाएंगे वहाँ की। तो अभी हो रहे हैं लगभग 5:05। मैं आपको मीटर दिखाता हूँ, देखो टाइम भी दिखाता हूँ। और हमारा प्लान था 5:15 निकलने का, लेकिन मुझे लग रहा है कि हो जाएंगे 5:30। 5:11 हो चुकी हैं, ये आप मीटर देख लीजिए, 684.7 किलोमीटर। और वापस आते हैं तब तक पता चलेगा। फ्यूल फुल है जैसा आप मीटर में देख रहे होंगे, और अपनी बाइक भी है तैयार। तो अब इसके बाद में हम सीधे मिलते हैं आपको रास्ते पे। दोस्तों हम निकल चुके हैं नीम का थाना से, और अभी तक था वही अंधेरा इसलिए कैमरा ऑन नहीं किया। और अभी भी हम सीकर से आगे निकल के आपको व्यू दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ के व्यू आपने पहले के वीडियो में देख चुके होंगे। और आज मैं जा रहा हूँ बीकानेर, उसके बाद में कहाँ जाएंगे, 4 दिन की छुट्टियाँ हैं ऑफिस की, तो देखते हैं वहाँ चल के जहाँ जहाँ का टूर होगा वहाँ वहाँ चलेंगे और आपको अच्छे अच्छे नज़ारे दिखाएंगे। हिमालयन लेने के बाद में ये मेरी पहली राइड है इतनी लॉन्ग राइड, और वैसे भी मेरी दूसरी ही लॉन्ग राइड है, इससे पहले उदयपुर की लॉन्ग राइड थी। तो आपका प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। वीडियो 4-5 दिन बाद में अपलोड कर पाऊंगा, क्योंकि लैपटॉप में साथ लाया नहीं, क्योंकि न तो पैनियर है न कोई बैग है। तो अब सीधे आपको मिलते हैं सीकर क्रॉस करके। तो सीकर शहर में आपका स्वागत है दोस्तों। ये है हमारी डिस्ट्रिक्ट भाई, बहुत दूर डिस्ट्रिक्ट है हमारी। अभी सुबह सुबह का टाइम है, टाइम हो गया है 7:55। हम चले थे 6:05 में घर से। शुरू के 40 किलोमीटर हमने 1 घंटे में तय किए, और अगले 60 किलोमीटर लगभग 1 घंटे में, क्योंकि सुबह सुबह अंधेरे में हमने ज़्यादा रिस्क नहीं लिया, बिल्कुल आराम से आ रहे। तो ये देखिए दोस्तों नज़ारे बीकानेर के इलाके में। और बीकानेर रह गए यहाँ से लगभग 120 किलोमीटर, और भाई रोड इतने औसम हैं, इतने ट्रैफिक वाले एरिया में रहते हैं, तो ये रोड मेरे को बहुत ही प्यारे और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। ये देखिए चारों तरफ धोरों वाली धरती, क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। बाइक का पता ही नहीं चलता है, 100+ चलने पर भी बाइक चल रही है, न कोई ट्रैफिक है, और रोड है बिल्कुल खुले और साफ सुथरे। ये देखिए क्या मौसम वाले नज़ारे हैं यार, दोनों तरफ रेत के टीले। और भाई ये वीडियो होने वाला है बहुत ही ज़बरदस्त, और हमारा प्लान है अब देशनोक जाने का पहले, और उसके बाद में बीकानेर एक्सप्लोर करेंगे, और कल देखते हैं फिर क्या एक्सप्लोर करेंगे। कल का हम कुछ नहीं कह सकते, थंबनेल और टाइटल से ही पता चलेगा। हम वीडियो पहले घोषणा नहीं कर सकते कि क्या देखने वाले हैं हम, जहाँ जो अच्छा लगेगा वही देखते रहेंगे। 4 दिन कम्प्लीट करने हैं अपने को यहाँ पर, तो ठीक है चलते हैं सीधे देशनोक। दोस्तों 200 किलोमीटर चलने के बाद में हमने एक स्टॉप लिया है बिल्कुल सुनसान जगह पर, और ये देखिए चारों तरफ के नज़ारे, आप रेगिस्तान के नज़ारे, वाह क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। ये है अपनी हिमालयन। तो अभी हम पहुंचे हैं जोधासर। जोधासर यहाँ से 2 किलोमीटर है, और बीकानेर है यहाँ से लगभग 50 या 52 के आसपास है। और उससे पहले ही हम जा रहे हैं देशनोक पहले, उसके बाद में बीकानेर का जूनागढ़ महल जो है, बहुत ही खूबसूरत महल है, वो दिखाएंगे, वो सेकंड एपिसोड होगा उसका। तो अभी चलते हैं सीधे देशनोक, और ये चारों तरफ के नज़ारे देखिए कितने खूबसूरत हैं। और रोड भाई बिल्कुल खुले रोड हैं, कोई ट्रैफिक नहीं है, दूर दूर तक ट्रैफिक नहीं मिलता है, कोई एक दो गाड़ी ट्रक बस यही चलती हैं, बाकी कुछ भी नहीं है। और बहुत ही शानदार मौसम वाले नज़ारे हैं, तो देखते रहिए। और यदि अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए। बीकानेर रह गया 51 किलोमीटर,
ये देखिए यहाँ के ब्यूटीफुल नज़ारे, और सड़क पे आपको सामने जो कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, नहीं देखो शीशे में देखो, न पीछे कुछ है न आगे कुछ है, बिल्कुल खाली सड़क है। हम गांव के अंदर से आ रहे हैं, जो मेन रास्ता उससे नहीं जा रहे, तो थोड़ा धोरों वाले धरती के गाँव को एक्सप्लोर करने के लिए हम इधर से जा रहे हैं। तो दोस्तों हम पहुँच गए हैं देशनोक, करणी माता मंदिर है यहाँ से 1.4 किलोमीटर दिखा रहा है। ये बीकानेर जा रहा है राइट साइड में यहाँ, और इधर लेफ्ट में करणी माता मंदिर। ये वाला रास्ता है जिससे हम पहले भी आए थे एक बार, अब की बार हम आए हैं गांव से होते हुए। तो ये है देशनोक, खूबसूरत देशनोक। देशनोक यहाँ पर रेलवे स्टेशन भी है, तो आप बाई ट्रेन भी आ सकते हो, बाई बस भी आ सकते हो, और सारी सुविधाएं। बीकानेर से भी ट्रेन है और जयपुर से भी है, जयपुर टू बीकानेर वाला मार्ग है ये। तो अभी हमारा रह गया 170 मीटर, ये आ गया करणी माता, जय माता दी। देखते हैं कितने नज़दीक तक जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है करणी माता का मंदिर, और ये अद्भुत मंदिर है, दुनिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसकी विशेषता देखकर आप चौंक जाएंगे। ये बाहर से नज़ारे देखिए, और अंदर चल के मैं दिखाऊंगा कि यहाँ पर चूहों वाली देवी भी कहते हैं इसको। यहाँ पर बहुत सारे चूहे हैं, तो चूहे इस दरवाजे से बाहर नहीं आते हैं, और बिल्ली जो होती है, कैट होती है, वो इससे अंदर नहीं जाती है। क्या अद्भुत है प्रकृति के खेल भी। तो मैं यहाँ पर बहुत सारे चूहे दिखाऊंगा आपको, माता रानी के दर्शन करवाएंगे अंदर आपको, आप म्यूजिक के आनंद के साथ में। ये चूहों की हटकेलियाँ देखिए, यहाँ पर देखो जगह जगह प्रात में दूध रखा होता है इनका, बिल्कुल डर नहीं इनको, कोई आ रहा है जा रहा है किसी तरह कोई भय नहीं है, पूरे दिन मौज लेते हैं भाई। चलो लीजिए म्यूजिक का आनंद और कीजिए दर्शन। ये देखिए करणी माता के बाहर से दृश्य, क्या खूबसूरत मंदिर है। जय माता दी।